Hello friends, welcome to my channel. So today we will learn how to draw a lobby area in one point perspective. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्टर शीट के साथ. आप सबसे पहले ये पॉइंट लगा लीजिए. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ आवर शीट. नाउ वी विल मार्क द वैनिशिंग पॉइंट लाइक दिस. ड्रॉ द वर्टिकल लाइन. नाउ ड्रॉ द वैनिशिंग पॉइंट लाइन्स. वेन दीज वैनिशिंग पॉइंट लाइन्स विल हेल्प यू टू बैलेंस योर कॉम्पोजिशन. तो आप इस तरीके से दोस्तों अपनी जो है कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए, अच्छे से बैलेंस रखने के लिए इन लाइनों का यूज़ करेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर ए बिगनर. तो इस तरीके से हमने हॉरिजॉन यहाँ पर लिख दिया है वैनिशिंग पॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, देखिए दीवारें छोटी हो जाती हैं अगर रूम बड़ा होता है. तो ये एक लॉबी एरिया है, यानी कि लॉबी आप जानते ही हैं दोस्तों, चाहे वो एयरपोर्ट की लॉबी हो या फिर हॉस्पिटल की लॉबी हो या होटल की लॉबी एरिया हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुला खुला एरिया होता है. तो यहाँ पर हमने पीछे की वॉल को इतना छोटा बनाया है एंड अब इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे. तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दोस्तों कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई होप दोस्तों आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपका सारा डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी एक बड़े लार्ज स्केल एरिया को अटेम्प्ट करना चाहिए. तो आप इस तरीके से जो अपनी छतों के ऊपर भी जो है अब यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए. और एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में या टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में काम करेंगे और इवन थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव, द मेन थिंग इज़ इफ़ यू आर अ बिगिनर देन यू शुड स्टार्ट योर कॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट लाइन्स. येस, इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ योर कॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ लाइन्स that will help you to balance your composition, especially if you are a beginner. And if you are an intermediate student, like आपको habit हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा काम करने की, then you can avoid these lines, but at least draw 2 to 4 lines. तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम यहाँ पर चीज़ों को attempt करते जा रहे हैं. छत पर हमने जो है अपने जो box लगाए हैं या board लगाए हैं जिस पर कि हमने रिल लिख दिया. आप देख सकते हैं दोस्तों एक हॉस्पिटल की लॉबी है अगर ये, तो किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है लिख करके अपने बोर्ड को शो किया है. इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरीके से हमारा जो फील है वो छत वाला यहाँ पर आना शुरू हो गया है कि हाँ भाई ये एक रूम के अंदर का या फिर कह लीजिए कि बड़ा लॉबी एरिया है जिसमें जो है हमें काफ़ी पीछे तक अपनी वॉल जो है नज़र आ रही है. एंड बोर्ड के शो कर देने से जो है चीज़ अब यहाँ पर थोड़ी सी बदल चुकी हैं. तो अब धीरे धीरे हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें जब चीज़ें ऐड करेंगे, लाइक आपको ट्यूब लाइट्स ऐड करनी है तो आप इस तरीके से जो है चीज़ों को ऐड करिए. एंड धीरे धीरे अब इसमें जो अपने रिसेप्शन एरिया होगा एंड और भी जो चीज़ें हमें ऐड करनी है उन सबको हम यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देंगे. तो ये देखिए अब साइड की वॉल है दोस्तों, तो साइड की वॉल को भी आप जो है इस तरीके से शो कीजिए. एंड इसके अंदर जो भी आपको गेट बनाने हैं तो आप एक हाइट डिसाइड कर लेने के बाद उसी हाइट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को अटेम्प्ट करते रहें. सो द बेसिक फंडा टू ड्रॉ एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव इज़ यू शुड नो द साइज ऑफ योर फ्रंट ऑब्जेक्ट एंड द साइज ऑफ योर फार ऑब्जेक्ट शुड बी लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. फ्रंट ऑब्जेक्ट शुड बी बिगर दैन द फार ऑब्जेक्ट. तो उसी कंसेप्ट को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर चीज़ों को बना रहे हैं एंड बाकी चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं. आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से नज़र आ रही होंगी एंड अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी. बट फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो चीज़ें दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो आपको कैसे लगी ये बात भी ज़रूर बताया करें, बिकॉज़ आपके कमेंट्स दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अगली की कॉम्पोजिशन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए. तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें और देखते रहें.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमने अपनी इस कॉम्पोजिशन को अटैम्प्ट किया है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से ज़रूर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी एंड वीडियो आपके लिए ज़रूर नॉलेजेबल रही होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।